स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं टाइप से पहले F2, K1, K2 ये सब आपका डिस्कस किया गया था। F1 नंबर भी पॉइंट डिस्कस किया गया था। हमें F2 पॉइंट नंबर F2 डिस्कस करना। ओके यही ना? यस सर। ऑन पेज नंबर 135 which is the least among the following integers. There is some values, some modulus values in which you have to identify which is the least. Okay? Yes. 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 Modulus values given hai, unme aapko ye identify karna hai kaun si least value. Okay? Teachers check karte hain. Is one of minus 6 and C is minus mod of minus 3. Now, D is mod of 9. For this, we have to find modulus value of all when given numbers. जितने भी numbers given हैं इनकी modulus value find करनी होगी. Absolute value. Sorry. क्या find करना होगा बेटा? Absolute value. Then we... Absolute value. Sir, absolute value. Properly voice मेरी जा रही है? Yes, sir. Okay. बेटा इसमें क्या करना है, इससे सारे जो गिवन मॉडुलस वैल्यूज हैं इनके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना होगा, देन वी कैन से व्हिच इज द लीस्ट। ओके यस सर। चलिए ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं मोड ऑफ माइनस 12, सॉरी मोड ऑफ 12 इक्वल क्या होगा बेटा? फर्स्टली फाइंड द मोड ऑफ 12 सेम एज फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ माइनस 6। यहाँ पे मोड ऑफ माइनस 6 गिवन है ना, इसकी वैल्यू क्या होगा बेटा? 6। यस बेटा, आप जानते हो मोड ऑफ वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। ओके यस सर। इंटीजर वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, बट जो उनका मोड वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो भी होगा पॉजिटिव में ही आएगा। यहाँ पे मोड ऑफ माइनस 6 फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी 6 हो जाएगी। ओके यस सर। यस सर। सेम एज माइनस यहाँ पे गिवन है, माइनस को हम मेजर नहीं करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे मोड माइनस 3। बेटा इस मैंने इससे पहले इसका क्या फंड किया गया था? मॉड ऑफ माइनस 6। यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस 6 फंड करते हैं तो क्या आंसर? 6। सेम है मॉड ऑफ माइनस 3। ओके, मॉड ऑफ माइनस 3। यहाँ पे माइनस का माइनस 3 गिवन है तो इसकी माइनस यहाँ पे ये मेजर किया जाएगा, बिकॉज दिस इज आउटसाइड टू द मॉडुलस वैल्यू। ये जो साइन है सिंबल आपका, ये मॉडुलस वैल्यू के बाहर है तो हम इसको मेजर करेंगे। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ये साइन आपका मेजर किया जाएगा और जो मॉड ऑफ माइनस 3 साइन करते हैं ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देन द आंसर इज -3। यहाँ पे जो आंसर आएगा फॉर दिस -3। ओके -3। यस बेटा, नाउ मॉड ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 9। मॉड ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। नाउ According to 9 values, you can say -3 is least. It means mod of -3. Sorry, minus mod of -3 is least here. Which is the least? Minus mod of -3. Okay, minus mod of -3 is least here. ये आपका least value है. Okay, beta. Yes, sir. चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, पॉइंट नंबर
The next point is point number F3, in which the opposite of minus mod, sorry, mod of minus 2, the opposite of, you have to tell, the opposite of mod minus 2 is, बेटा माइनस टू का जो मॉड होता है प्लस टू होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस टू का मॉड जो माइनस टू की वैल्यू, सॉरी मॉड ऑफ माइनस टू जो गिवन है, क्या गिवन है बेटा? मॉड ऑफ माइनस टू, राइट? मॉड ऑफ माइनस टू, यस सर, माइनस मॉड माइनस टू यही होगा, अपोजिट ऑफ मॉड ऑफ माइनस टू हो जाएगा माइनस mod of minus 2, okay? Minus mod of minus 3. Yes, sir. यहाँ पे plus symbol था, इसके outside अगर major करते हैं, which is the symbol here, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे plus होता है, अगर कुछ नहीं होता तो plus sign major किया जाता है. It means plus का क्या opposite होगा? Minus. ये equal major किया जाएगा. बाकी जो modulus value वो same रहेगी. Modulus value है वो same रहेगी. Minus 2 वहाँ भी था, minus 2 यहाँ भी है. जो हमने symbol किया, वहाँ पे plus हिडन है, यहाँ पे मैंने माइनस पुट कर दिया, ओके? यस सर. सेम एज यू हैव टू टेल द अपोजिट ऑफ माइनस मोड ऑफ थ्री, द अपोजिट मोड ऑफ थ्री माइनस मोड ऑफ थ्री, यस बेटा मोड ऑफ थ्री होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे माइनस तो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस मीन प्लस राइट नहीं करते हैं, तो यहाँ मॉड ऑफ थ्री राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे? मॉड ऑफ थ्री, ओके? मॉड ऑफ थ्री, यस सर. बेटा इन्होंने कहा शो दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन ऑन अ नंबर लाइन. बेटा माइनस सेवन का एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर, ये नंबर लाइन पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन ये रिप्रेजेंट करना है, तो आप जानते हो, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस सेवन, माइनस सेवन का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ माइनस सेवन, यही तो फाइंड करना है, मॉड ऑफ माइनस सेवन, और मॉड ऑफ माइनस सेवन क्या होता है, इक्वल टू सेवन, क्या होगा सेवन, यानी आपको नंबर लाइन पे सेवन रिप्रेजेंट करना, मॉड ऑफ माइनस सेवन मीन्स सेवन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप जानते हो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी यहाँ से इस तरह दिखा सकते हो आपको, यहाँ पे कर सकते हो मॉड ऑफ माइनस वन, मॉड ऑफ माइनस टू, मॉड ऑफ माइनस थ्री, मॉड ऑफ माइनस फोर, मॉड ऑफ माइनस फाइव, मॉड ऑफ माइनस सिक्स, और ये सब वैल्यू प्लस के वैल्यू है, केवल मॉड लगा के यहाँ माइनस कर दिया, लेकिन आएगा क्या प्लस का ही आएगा, फिर आप नंबर लाइन पे आप इनको माइनस मॉड ऑफ माइनस, सॉरी मॉड ऑफ माइनस सेवन रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये है प्लस का सेवन, एग्जैक्टली क्या होता है ये प्लस सेवन, ठीक है? यहाँ पे सेवन है बिकॉज ये जीरो के राइट साइड में है, तो आप जानते हो जीरो टू द राइट ऑफ जीरो ऑल नंबर्स आर लाइंग पॉजिटिव इंटीजर्स. Now next point. ये बात समझ आ रही है ना? Are you understanding? The next point is बेटा इसमें कहने पॉइंट नंबर ए वन हमने अभी डिस्कस किया है, तो पॉइंट नंबर ए टू इसकी बात करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर ए टू. Use the following number lines to answer the questions given below. आपको क्या करना है, नंबर लाइन का यूज करके जो क्वेश्चन आस्क किया गया है उसके आंसर देने हैं. Where is the doll on the number line?
हाउ फॉर इज इट फ्रॉम जीरो. बेटा नंबर लाइन पे डॉल की जो पोजीशन हो कहाँ पे है, नंबर लाइन पे जो पोजीशन हो कहाँ पे है? माइनस फाइव. माइनस फाइव ऑन द माइनस फाइव. पोजिशन ऑफ डॉल इज ऑन द माइनस फाइव, यानी कहाँ पे है वो? माइनस फाइव पे है. माइनस फाइव फाइव यूनिट फॉर फ्रॉम जीरो. ये जीरो से कितनी दूरी पर है? फाइव यूनिट के डिस्टेंस पे है ना? यस सर. यहाँ पे ये गिवन था नंबर लाइन जिसमें इन्होंने कहा था ये जीरो है मिड पॉइंट का. यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दस वन सेम एज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन दस वन. यहाँ पे पोजिशन ऑफ डॉल रिप्रेजेंट किया गया बेटा, यहाँ पे है डॉल. ये पोजीशन ऑफ डॉल है माइनस फाइव. अब इसमें ये पोजीशन अकॉर्डिंग वेयर इज द डॉल ऑन द नंबर लाइन. द डॉल इज राइट करेंगे. इन्होंने क्वेश्चन आस्क किया था वेयर इज द डॉल ऑन द नंबर लाइन, इसके लिए आंसर क्या करेंगे? द डॉल इज ऑन द फाइव, इज ऑन फाइव. ओके माइनस फाइव. The doll is on minus five. The doll is on minus five. ठीक है, कहाँ पर है वो? Minus five पे. You can say. ठीक है बेटा. The doll is on minus five. Yes sir. How far is it from zero? Zero से कितने units के distance पे? वन टू थ्री फोर फाइव. हम कह सकते हैं इट इज फाइव यूनिट. फोर यूनिट मैंने ऐसे इसलिए बोला कि ये कुछ भी हो सकता है. आप कह सकते हो सर मैंने सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस लिया है वन वन सेंटीमीटर पे, या आप कह सकते हो सर वन मिलीमीटर या वन टेन सेंटीमीटर, कुछ भी यूनिट हो सकता, मतलब टेन वन मीटर भी कह सकते हैं. तो यूनिट के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, इसके हम क्या यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कहा यूनिट बोल दिया. यूनिट यूज किया जाता है. इट इज फाइव यूनिट फॉर फ्रॉम जीरो. उन्होंने कहा था हाउ फार इज इट फ्रॉम जीरो, जीरो से कितनी दूरी पर है? इट इज फाइव यूनिट फॉर फ्रॉम जीरो, जीरो से ये फाइव यूनिट के डिस्टेंस है. ठीक है, टू द लेफ्ट. अगर ये भी पूछा जाता है किधर है, लेफ्ट और इधर वेस्ट. ठीक है, ये वेस्ट में या लेफ्ट में दोनों बातें कह सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट नंबर एटी. द नेक्स्ट पॉइंट इज एटी. इस क्वेश्चन को समझ में आ गई बात है कि नहीं, इसमें बताइए किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर. पॉइंट नंबर ए टू आपका. ओके बेटा गुड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा हमें. तो मॉडुलस वैल्यू गिवन है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना होगा. अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है मेरी, यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, अब देखते हैं इसमें करना क्या आपको.
ये जो मॉडुलस वैल्यू गिवन है, सबसे पहले इनको क्या करना होगा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ओके इनको क्या करना होगा आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज गिवन हियर 11. यहाँ पे जो फर्स्ट वन वैल्यू गिवन है बेटा क्या है, 11 है. मॉड ऑफ 15 चलिए ठीक है. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन है मॉडुलस वैल्यू गिवन है, इनको क्या करना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना होगा. देन वी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो यस सर. चलिए ठीक है, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू वन बाई वन करके जितने भी मॉडल्स वैल्यू गिवन है फाइंड करते हैं. यहाँ पे मॉड ऑफ 11 अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा बेटा, 11 क्या आएगा, 11 सर, 11 इसी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में जैसे यहाँ पे गिवन है, ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं. ओके, यहाँ पे माइनस है माइनस कर देंगे, मॉड ऑफ माइनस फाइव आएगा. यहाँ पे नेक्स्ट मॉड ऑफ माइनस 17 क्या आएगा बेटा, 17. मॉड ऑफ माइनस 17 क्या हो जाएगा, 17. एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग. इलेवन माइनस फाइव 17, देन क्या आएगा, 22. क्या आएगा, 22. मॉड ऑफ 22 इक्वल टू 22. नाउ माइनस मॉड ऑफ 19 इक्वल टू 19 माइनस 19 14. The absolute value of all the modulus value, यानी जितने modulus value थे इनकी absolute value हमने find कर लिया है. अब क्या करना है, इनकी absolute value के according इनको descending order में arrange करेंगे. ठीक है, अगर आपसे which is the least, which is the greatest value among them, बेटा इन सब में सबसे greatest value कौन सी है, तो आप क्या आंसर बोलेंगे, which is the greatest, mod of minus 28. Yes बेटा, यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो 28 आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है प्लस का 28, और इसकी जो वैल्यू है मॉडुलस वैल्यू होता है माइनस मॉड ऑफ माइनस 28. यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस 28. ठीक है, तो इन अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यू हैव टू राइट फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप राइट करेंगे इस वैल्यू को 28 का जो मॉडुलस वैल्यू है मॉड ऑफ माइनस 28 क्या राइट करेंगे, मॉड ऑफ माइनस 28 कॉमा सेम एज. नेक्स्ट वन इज 22 वैल्यू होगी 22, तो 22 की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 22. यहाँ पे क्या बेटा, मॉड ऑफ 22. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट 17 सर, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, कट के आ रही है, कट के आ रही है.
अभी क्लियर नहीं हो रही है मेरी वाइफ बेटा, सुन पा रहे मुझे? यस सर। फिर अब आ रही है? यस सर। फिर अब आने लगी। माइनस 28, 22 एंड मॉड ऑफ माइनस 17 हो गया। नेक्स्ट आफ्टर 17 व्हाट बेटा? 14। 17 के बाद क्या आएगा? 14। ये वैल्यू है सर। 14। 14 इज मॉड ऑफ मॉड ऑफ 14। 14 14 इज मॉड ऑफ 14। नाउ नेक्स्ट मॉड ऑफ 11। मॉड ऑफ 11 14 जस्ट आप फिर क्या राइट करेंगे बेटा? 11। 11 इज मॉड ऑफ 11। 11 मीन मॉड ऑफ 11। ठीक है, यहां पे मॉड ऑफ 11 राइट कर लेंगे। नाउ यहां पे माइनस 5 है तो माइनस 5 तो माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 19 आपको पता होना चाहिए। यस बेटा, माइनस 5 जो है वो ग्रेटर होता है 19 से। माइनस तो यहां पे माइनस 5 मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ 5। यस बेटा, माइनस मॉड ऑफ 5 दिख रहा है आप लोगों को? तुमने राइट किया होगा। यस सर। बहुत लाइट आ रही है ना बोर्ड पे? यस सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक बार कुछ करते हैं। सर माइनस मॉड ऑफ 19। चलिए ठीक है, थोड़ा सा लाइट के लिए थोड़ा सा जो देख अब दिखा दो बोल क्लियरली। यस सर। यस सर। यस सर। ये सब दिख रहा है? यस सर, सब दिख रहा है। सब दिख रहा है यहाँ से? आपका जो पॉइंट था बेटा, हमने क्या किया? मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ 5 राइट किया, देन आफ्टर राइट क्या करेंगे? माइनस 19 की वैल्यू है, माइनस 19 की वैल्यू मॉड ऑफ माइनस माइनस मॉड ऑफ 19 माइनस मॉड ऑफ 19। ओके, दैट इज अरेंज, सॉरी दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द मॉडुलस वैल्यू। यानी जितने मॉडुलस वैल्यू थे इनके डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? मॉड ऑफ माइनस 28, देन 20, मॉड ऑफ 22, देन मॉड ऑफ माइनस 17, then mod of 14, then mod of 11, and minus mod of 5, minus mod of 19. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, इतने किसी को doubt तो नहीं है ना बेटा? जितना आप भी ये देखते हैं, जितने किसी को point number 80, इसमें किसी को doubt तो नहीं होना चाहिए? चले ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। बेटा नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, ओके, सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा इसमें कंपेयर करना, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स मीन इंटीजर्स को कंपेयर करने से ही इनका सेंस होता है। कंपेयर करना उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना और उनको स्मॉलर ग्रेटर साइन से कंपेयर करना, ये इनका सेंस है। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स मीन कैसे हम ये जान पाते हैं कौन सा इंटीजर बड़ा है या कौन सा छोटा है, स्मॉलर और ग्रेटर, ये सब कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग ये सब जानते हो ना, नंबर लाइन के थ्रू आप सबको ये पहले ही बताया yes, जा सकता है। किस तरह से हम yes, को अरेंज कर सकते हैं, उनकी ऑर्डरिंग को हम सेट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, द रिलेशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ इंटीजर कैन बी अंडरस्टूड इजीली इफ दे आर ऑर्डर्ड। करें किसी भी इंटीजर्स की ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंटीजर्स रिलेशन को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है यदि वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड हो, यानी एक अच्छे तरीके से संयोजित रूप से रखे गए हों तो हम उनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में किसी भी तरीके से
मतलब अरेंज करके रखे जाते हैं इंटीजर्स, उनको समझना बेहतर होता है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, अभी ये पॉइंट न्यू पॉइंट है आपका ऑर्डिनल इंटीजर्स, इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी आज बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है? नो सर। बेटा आप सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग मुझे प्रॉपरली? सर अब जाने लगे। यस सर। मैं ये कह रहा था कि आज वैसे ही टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, तो हमारा टाइम लगभग इंड होने के टाइम कगार पे है, मतलब 10:36 हो रहा अभी, और अब तक 4 मिनट जस्ट हमें दूसरा क्लास स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए हमने इतना ही, नेक्स्ट डे हम जो न्यू पॉइंट है वो आपका हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो नया पॉइंट है आपको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। यस सर। टाइम लगेगा उसमें, अच्छे से डिस्कस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय बेटा, जो वर्क किया गया है उसको कर लेना आप लोग। ओके, जो कराया गया वर्क आप लोग। यस सर। चलिए गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। सर गुड बाय। Okay.